नारायण नारायण महादेव श्री शंभु की जय, महादेवी पार्वती की जय। आप सभी देवतागण के एकत्र होकर यह आने का कारण ज्ञात है हमें। असुरों की संपूर्ण सेना देवलोक पर आक्रमण करने वाली है। प्रभु, क्या इन असुरों के हद का कोई उपाय नहीं है? कब तक हम इनके आतंक से ग्रस्त रहेंगे? देवराज, यह तो संपूर्ण सृष्टि का चक्र है। अच्छाई और बुराई के मध्य वर्चस्व की लड़ाई तो चलती ही रहेगी। यदि देवता है तो असुर भी है। किंतु महादेव, इस युद्ध में निर्दोष जीवन क्षतिग्रस्त होता है। प्रभु, अच्छाई और बुराई के इस लड़ाई में हम हर बार विजय हो, यह सुनिश्चित कौन करेगा? उचित है आप सभी देवताओं में से किसी एक को प्रथम पूज्य का पद प्राप्त होगा, जो बनेगा देवताओं के विघ्नहर्ता और असुरों के विघ्नकर्ता। नारायण नारायण सत्य वचन महादेव, मेरे विचार से देवता के अधिपति देवराज इंद्र को भी यह पद प्राप्त होना चाहिए। यही तो करवाते हैं वर्षा, जिससे उत्पन्न होता है अन्न। निसंदेह देवर्षि नारद के कथन से मैं सहमत हूँ, यदि आप सभी को स्वीकार हो तो। नहीं, मुझे स्वीकार नहीं, मैं अग्निदेव हूँ। बिना मेरे किसी भी देव को यज्ञ द्वारा आहुति प्राप्त नहीं होगी और वे सभी अपना बल खो देंगे। अतः प्रथम पूज्य का पद मुझे ही मिलना चाहिए। अग्निदेव मत भूलिए, मैं पवनदेव, यदि मैं अपना कार्य न करूं तो संसार में कोई जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि हर जीव को जीवित रहने के लिए प्राणवायु की आवश्यकता होती है। अतः यह पद मुझे ही मिलना चाहिए। अग्निदेव पवनदेव, आप भूल रहे हैं कि यदि मैं सूर्यदेव उदय होना बंद कर दूं तो संपूर्ण कालचक्र रुक जाएगा, समग्र सृष्टि का अंत हो जाएगा। अतः यह पद मुझे ही प्राप्त होना चाहिए। शांत हो जाइए आप सब। देवताओं को इस प्रकार लड़ना शोभा नहीं देता। मैं महादेव का ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय असुरों और देवताओं के युद्ध में देवताओं को विजयी बनाता हूँ, तो क्या मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ? नहीं, सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका निर्णय स्वयं माँ पार्वती और पिता महादेव करेंगे। हाँ, हमें स्वीकार है। देवी पार्वती, आपके पास कोई सुझाव है? महादेव, मेरे मंतव्य से तो सभी देवता सर्वश्रेष्ठ है। किसी एक देवता से यह संसार नहीं चलेगा। सभी का अपना एक महत्व है, सभी एक दूसरे के पूरक है। देवी, आपका कथन उचित है, परंतु प्रथम पूज्य का पद किसे प्राप्त होगा? पिताश्री, मेरे पास एक सुझाव है। क्यों ना सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए? उचित है पुत्र, प्रतियोगिता में भाग लेने से व्यक्ति में छिपी प्रतिभा निखर कर आती है। प्रथम पूज्य कौन बनेगा इसका निर्णय प्रतियोगिता द्वारा ही होगा। सभी देवता अपने अपने वाहन पर बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करेंगे। महादेव, क्या मेरे पुत्र गजानन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते? हाँ पिताश्री, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। अब तो मेरे पास मेरा वाहन मूषकराज भी है। नारायण नारायण, अवश्य बाल गजानन, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पर यह तो अभी बालक है और ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का साहस एक मूषक में कहां? श्रीमान, कभी भी अपने प्रतियोगी को कम ना आके का कौन कहा अपनी शक्ति व बुद्धि बल से आपको परास्त कर देगा, आप सोच भी नहीं सकते। अगली सुबह सभी देवता प्रतियोगिता जीतने के लिए पाताल लोक की तरफ प्रयाण करते हैं। तब बाल गजानन अपने मूषक के साथ कैलाश पर्वत पर आते हैं।
अभिराज नारद, मेरे वाहन मूषक राज जरा धीरे धीरे चलते हैं। इस धीमी गति के साथ इतने बड़े ब्रह्मांड की परिक्रमा तनिक कठिन है, इसलिए मैं इस ब्रह्मांड के प्रतिरूप की परिक्रमा करूंगा। अर्थात देवर्षि नारद, एक बालक का संपूर्ण संसार उसके माता पिता होते हैं। उनके चरणों में तीर और हाथों में नवग्रह का तेज होता है। जब मेरे पास मेरे माता पिता की परिक्रमा करने का अवसर है तो मैं ब्रह्मांड की परिक्रमा क्यों करूं? मैं तो इस ब्रह्मांड के प्रतिरूप की परिक्रमा करूंगा। अपनी परिक्रमा पूरी करके बाल बजाने विजय होते हैं। नारायण नारायण, बाल बजाने आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक सोच व बुद्धि बल से किसी भी परिस्थिति को जीता जा सकता है। बाल बजाने की जय। बाल बजाने की जय। आज से यह संपूर्ण संसार गजानन को विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य श्री गणेश के नाम से जानेंगे। जन का तू एक करता धरता द्वेष मुक्त मत हो, तू जिसमें वास कर।